Good morning, students. So, what we'll do today in this class? Today, in this class, we'll revise our chapter number 10th. Okay? इस class में हम लोग अपना जो chapter number 10th है उसका revision करेंगे. And our chapter number 10th is money. Okay? अपना chapter number 10th क्या है? Money. Money क्या होता है बेटा? कि हम कोई चीज खरीदते हैं, उसके बदले में बोल सकते हैं. Okay? उसके एक्सचेंज में हम उन्हें मनी प्रोवाइड करवाते हैं. मनी क्या होती है? किसी भी प्लेस की करेंसी होती है. मनी क्या होती है? किसी भी प्लेस की करेंसी होती है. जैसे हमारी इंडिया की करेंसी क्या है? रुपीज या पैसे. ओके, इंडियन करेंसी क्या है? रुपीज. इंडियन करेंसी क्या है? रुपीज. वन रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे. ओके, हमारे यहाँ का 1 रुपी जो है इक्वल्स टू क्या होता है? 100 पैसे. 100 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपीज हमारे यहाँ होता है. ओके, जो इंडियन करेंसी है वो 2 टाइप्स से है. फर्स्ट इन नोट्स एंड सेकंड इन कॉइन्स. ओके, नोट्स से है, जैसे नोट ऑफ 5, नोट ऑफ 10, नोट ऑफ 20, नोट ऑफ 50, नोट ऑफ 100, नोट ऑफ 200, नोट ऑफ 500, नोट ऑफ 2000. ओके, कॉइन्स, कॉइन ऑफ 1, कॉइन ऑफ 2, कॉइन ऑफ 5, कॉइन ऑफ 10. ओके, इस तरीके से कॉइन्स में है. ओके, इंडियन, यहां पर आपके क्वेश्चन भी है. इंडियन करेंसी इज इन फॉर्म ऑफ नोट्स या कॉइन्स. इंडियन करेंसी किस चीज के फॉर्म में? नोट्स या कॉइन्स के फॉर्म में. करेंसी है क्या हमारी? रुपीज. ओके, ये होते हैं नोट्स. ओके, नोट ऑफ 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 and 2000. कॉइन ऑफ 1, 2, 5 and 10. ओके, मैंने आपको बताया 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे. द सिंबल ऑफ रुपीज इज लाइक दिस. ओके, ये क्या होता है? रुपीज का सिंबल होता है. ओके, 5 रुपीज इज रिटन एज रुपीज 5. ओके, कि सिंबल के थ्रू हम राइट डाउन कर सकते हैं. ओके, 35 पैसे इज रिटन एज 35 पी. पी मतलब पैसे. रुपीज पहले लिखा जाता है, पैसों में पी जो है वो बाद लिखा जाता है. इतना आपको 100% क्लियर होना चाहिए. ओके, रुपीज, जैसे 18 रुपीज 68 पैसे लिखा हुआ है, 18 रुपीज 68 पैसे लिखा हुआ है, तो इनके बीच में हम डॉट से इन्हें डिफरेंट कर सकते हैं. 18 रुपीज 68 पैसे. ओके, डॉट के लेफ्ट साइड पार्ट इज रुपीज, राइट साइड पार्ट इज पैसे. ओके, ये जो डॉट है इसके लेफ्ट साइड पार्ट में होते हैं रुपीज, राइट साइड पार्ट में होते हैं पैसे. ओके, किस तरीके से लिखा जा सकता है? जैसे एक्सरसाइज 10.1D, 85 रुपीज 68 पैसे. EIGHTY 80 FIVE 5 RUPEES रुपीज, SIXTY 60 EIGHT 8 PAISE पैसे. 85 रुपीज 68 पैसे. ओके, नेक्स्ट, अगर हमें ये इसी तरीके से दिए हों तो हम इन्हें फिगर्स में कैसे लिखेंगे? ओके, क्वेश्चन सेकंड डी, 63 रुपीज 78 पैसे. हमने कहा कि डॉट के लेफ्ट साइड में रुपीज लिखे जाते हैं, राइट साइड में पैसे लिखे जाते हैं. रुपीज का सिंबल नंबरिंग से पहले आता है, पैसे का सिंबल नंबरिंग के बाद आता है, या फिर अगर डॉट है तो आप ना भी लिखो. 63 रुपीज, तो रुपीज 63 डॉट 78 पैसे. 78 पैसे, 63 रुपीज 78 पैसे. 94 रुपीज 78 पैसे, तो डॉट के इधर रुपीज 94.78 मनी. ओके, देन नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ मनी. रुपीज हमेशा रुपीज से ऐड होता है, पैसे हमेशा पैसे से ऐड होते हैं, मतलब दोनों सेम यूनिट्स. ओके,
सेम यूनिट हमेशा, मतलब यूनिट्स जो हैं वो हमेशा सेम ऐड होती हैं. रुपीज रुपीज से ऐड होता है, पैसे पैसे से ऐड होता है. ओके, सब्ट्रैक्ट भी रुपीज रुपीज से सब्ट्रैक्ट होता है, पैसे पैसे से सब्ट्रैक्ट होता है. ओके, यहां पर कुछ भी हम डिफरेंस यूज नहीं कर सकते. ओके, कोई भी अदर टाइप ऑफ डिफरेंस यहां नहीं होता है. ओके, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है वो सिंपल एडिशन एंड सिंपल सब्ट्रैक्शन होते हैं. कैरिंग या विदाउट कैरिंग कोई भी हो सकते हैं. ओके, पैसे पैसे से ऐड किया जाता है, रुपीज रुपीज से ऐड किया जाता है, पैसे पैसे से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, एंड रुपीज रुपीज से सब्ट्रैक्ट किया जाता है. ओके, नेक्स्ट आती है हमारे पास स्टोरी प्रॉब्लम. स्टोरी प्रॉब्लम में क्या है कि हमने कुछ चीज खरीदी तो हम कितने पैसे देंगे, या फिर हमने शॉपकीपर को इतने पैसे दिए, हमने ऑब्जेक्ट्स ये खरीदे तो हमें बैक चेंज कितना मिलेगा. ये हमें स्टोरी प्रॉब्लम अपनी एक्सरसाइज 10.4 में देखने को मिलेगा. ओके, जैसे 10.4 क्वेश्चन फर्स्ट, मी टू बॉट ए डॉल फॉर रुपीज, इतने की वो डॉल लेके आई, इतने का वो किचन सेट लेके आई, तो उसने टोटल रुपीज कितने स्पेंड किए. दोनों को ऐड कर दो, जितने की डॉल आई एंड जितने का किचन सेट आया, उनको हम ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर. शिवानी हैज 200 रुपीज, शिवानी के पास 200 रुपीज है. सी बाय पोटेटोज फॉर 50 एंड टोमेटोज फॉर रुपीज 47. 50 के पोटेटोज लेके आई एंड रुपीज 47 के वो टोमेटोज लेके आई. हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर, क्या करेंगे. जो मनी पोटेटोज प्लस टोमेटोज माइनस 200 की, पोटेटोज के जो मनी थे प्लस टोमेटोज के जो मनी है, उनको ऐड करके जो आंसर आएगा उसे माइनस 200 कर देंगे. ओके, तो हमारे पास जितने मनी उसके पास बचे हैं वो आ जाएगा. इसी तरह से थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन हमें करना है. अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू दिस चैप्टर नंबर 10, तो आप लोग पूछ सकते हो. ओके, सो बाय.